प्रशांत भूषण को लेकर आज दिन भर लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी कि कोर्ट क्या फैसला देता है। मामला न्यायालय की अवमानना का है और वो भी एक वरिष्ठ वकील के द्वारा, इसलिए बीच का रास्ता निकालने की भी कोशिश हो रही है। भूषण को सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच अवमानना के एक मामले में दोषी भी ठहरा चुकी है, लेकिन दोषी ठहराए जाने के बावजूद बेंच ने प्रशांत भूषण को माफी मांगने या खेद जताने का मौका दिया, लेकिन प्रशांत भूषण न तो माफी मांगने को तैयार है और न ही खेद जताने के लिए। ऐसे में आज कोर्ट में क्या हुआ भूषण के मामले को लेकर, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रशांत भूषण का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट उन्हें चेतावनी देकर छोड़ देगा या फिर जेल भेज देगा? भूषण को सजा कितनी मिलेगी? सजा के साथ ही जमानत मिल जाएगी या फिर कुछ दिन जेल में बिताने पड़ सकते हैं प्रशांत भूषण को? सजा मिली तो क्या भूषण कोर्ट में अपनी वकालत जारी रखेंगे या फिर कुछ दिन के लिए उन्हें घर बैठना पड़ सकता है? ये सवाल तभी से उठ रहे हैं जब से सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने प्रशांत भूषण के 2 ट्वीटों को कोर्ट की मर्यादा के खिलाफ माना था और इसी मामले में आज उनकी सजा को लेकर फैसला होना था और इसी को लेकर कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन फैसला आज भी नहीं हो पाया। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को माफी मांगने और खेद जताने के लिए मौका दिया, लेकिन वो पहले की तरह अपनी बात पर कायम हैं कि उन्होंने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अपने हलफनामे में भूषण ने कहा था कि उन्होंने ट्वीट भली नीयत से और संस्था की बेहतरी के लिए किए थे, ऐसे में माफी मांगना सही नहीं है। भूषण की सजा पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को उन्हें चेतावनी देते हुए दया दिखानी चाहिए, उन्हें खेद जताने के लिए कहा जा सकता है। प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन ने कहा कि ऐसा केस नहीं है कि सजा दी जाए, प्रशांत को कोर्ट के प्रति ड्यूटी पता है। मैंने एक बार खुद तत्कालीन चीफ जस्टिस जेएस खेहर को कहा था कि वो सुल्तान की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन मुझ पर कंटेम्प्ट नहीं हुआ। 1031 आर्टिकल लिखे और 900 कोर्ट के बारे में लिखा, लेकिन क्या वो सब कोर्ट को बदनाम करने के लिए था? प्रशांत भूषण के पूरे ट्वीट को एक साथ देखा जाना चाहिए। जब कोई संस्थान के प्रति चिंतित होता है और उसकी बेहतरी चाहता है तभी वो आलोचना करता है। कोर्ट आलोचना से इम्यून नहीं है, हमारी ड्यूटी है कि सकारात्मक आलोचना करें। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भूषण को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन वे अवमानना पर माफी नहीं मांगना चाहते। व्यक्ति को गलती का एहसास होना चाहिए, हमने उन्हें समय दिया, लेकिन उनका कहना है कि वे माफी नहीं मांगेंगे। अब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो माफी क्यों नहीं मांग सकते? आपने महात्मा गांधी को कोट किया लेकिन माफी से इनकार कर दिया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट आज भी प्रशांत भूषण की सजा पर फैसला नहीं कर सका है। अब देखना है कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।